असलकम वेलकम बैक टू माई चैनल होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट तो आज का जो मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको पता चल क्या होगा ये मैं गई थी केसरिया पे सदर में तो ये यहाँ पे फ्लैट ट्वेंटी फाइव परसेंट सेल इनकी समर सेल लगी हुई थी तो केसरिया का के, एक्चुअली मेरे माइंड में नहीं था कि सेल्स का या कुछ भी तो ये हम वैसे ही वहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा देख लेते हैं क्योंकि फ्लैट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ लगी हुई थी सेल्स तो एक्चुअली सीन ये कि मैं ना इनके एक्चुअली कपड़े जो हैं वो इनकी लॉन बहुत अच्छी होती है बट प्राइसर साइड पे है ठीक है क्योंकि प्रिंट्स होते हैं इनमें ज़्यादातर प्रिंट्स होते हैं फिर भी वो एक्सपेंसिव होते हैं तो मैं हर साल एक ड्रेस तो यहाँ से ले लेती हूँ वो फिर डिपेंड करता है कभी सेल से ले लिया कभी ईद के ले ले लिया तो मैंने आपसे शेयर किया था ईद का ब्लॉग जिसमें मैंने सेकंड डे इधनी का केसरिया का ड्रेस पहना था जो कि मैंने लास्ट ईयर लिया था तो ये फिर मैं आपको इनके ड्रेसेस दिखा रही हूँ ये इनके लॉन के ड्रेसेस हैं और इनका ना एक अपना एक स्टाइल है मोस्टली कि ये दुबट्टा जो है ना इनके कंट्रास्ट में होते हैं मोस्टली हर एक ने अब ये वाले जो थे ये टू पीस थे इनके साथ दुपट्टज़ नहीं हैं तो इनकी प्राइस भी मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको नज़र आ जाए तो प्राइसेस इनकी नॉर्मली से जो हमें नॉर्मल लॉन के ड्रेसेस मिलते हैं उससे थोड़ी प्राइसी हैं बट ये है कि इनकी लॉन बहुत अच्छी होती है नो डाउट लॉन इनकी बहुत अच्छी होती है ठीक है तो ये इनके सारे ड्रेसेस थे यहाँ पे इतने ऑप्शंस नहीं थे इनके पास चिकन कारी के भी ड्रेसेस थे वो एक्सपेंसिव थे बट ये है कि उनकी लॉन वो इतनी सॉफ्ट थी चिकन कारी के ड्रेसेस भी एक्सट्रीमली सॉफ्ट थे जो कि आपने स्टार्ट में देख लिए होंगे फिर ये भी इनके ये देखें ये ये भी चिकनकारी के उनके इतने ये मैं यही मैं आपको बता रही थी कि इतने सॉफ्ट हैं बट ये है कि इनमें कलर्स की ऑप्शन ज़्यादा नहीं हैं ये आपको जो ये सामने डिस्प्ले में नज़र आ रहे हैं ये जस्ट यही कलर्स हैं तो कलर्स के ऑप्शन इतने यूनिक और डिफरेंट नहीं होते बट आपको अच्छा कपड़ा चाहिए तो वो ज़रूर आपको यहाँ पे मिलेगा क्योंकि इनका ऐसा कपड़ा होता है धोने के बाद भी ना उसकी लुक ख़राब नहीं होती जैसे मोस्टली लॉन के ड्रेसेस की हो जाती होती है फिर ये देखें ज़्यादातर इस तरह के ब्राइट कलर्स से अब ये ग्रीन भी काफ़ी ब्राइट में था लेकिन ये है कि बुरा नहीं लग रहा था और फिर ये ये नियॉन टाइप के कलर्स हैं और ये है कि ब्राइटर शेड्स हैं मोस्टली ब्लैक की ऑप्शंस इनमें काफ़ी थी और रेड्स की भी वाइट्स की भी ये आप देख रहे होंगे ठीक है और मोस्टली ये वाले जो हैं ना ये प्रिंट्स हैं और इनकी प्राइसेस थर्टी सेवन थर्टी टू थर्टी फोर डिपेंड कर रहा था कि जो थ्री पीस हैं वो ऑलमोस्ट थर्टी सेवन समथिंग के बन जाते थे फिर ये हैं अब सारों की इनकी सेम प्राइसेस नहीं है हर ड्रेस की डिफरेंट प्राइस है ठीक है फिर ये वाले देखिए ये थ्री पीस में हैं पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा अब ये वाले जो हैं ये लॉन के ड्रेसेस हैं प्रिंटेड और इनके साथ ना नेट के दुपट्ट हैं सब के साथ ये जो नीचे दो हैं ये डिफरेंट है ये, ये लॉन के और इनके साथ लॉन के दुपट्टज हैं बट जो ऊपर वाले ये आप देख रहे हैं ये सारे ठीक है इनके साथ नेट के दुपट्टाज हैं ठीक है थीके? ये देखें और ये भी नेट बहुत अच्छे वाली है सॉफ्ट वाली वो अकड़ी हुई जो नॉर्मल क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव ड्रेसेस हैं फिफ्टी सेवन समथिंग इस तरह से इनकी रेंज है तो ये अच्छे वाले हैं फिर इस तरह के ये जो है ना इनका ये कॉमन प्रिंट इस तरह के प्रिंट्स इनके ना सब आप देखेंगे आप नोटिस करेंगे वो कॉमन प्रिंट है तो वो ही इनकी पहचान है अब ये देखें इस तरह का मैं आपको कह रही थी कि ये ड्रेस का कलर देखें और दुपट्टा इसका जो है कंट्रास्ट हो जाता है जो मेरा पहले वाला अभी मैंने केसरिया का लिया हुआ तो मैंने आपको बताया था उसका दुबट्टा जो था वो कंट्रास्ट में था अब ये वाले हैं ये देखें आप ये सारे ठीक है ये कलर्स आप देख लें लाइट कलर्स भी हैं बट मोस्टली इनके ब्राइटर शेड्स हैं वो फिर आपकी अपनी चॉइस से आपको जिस तरह के भी चाहिए हो आप वैसे अपनी मर्ज़ी से बाय कर सकते हैं फिर इनके ये फुटवेयर्स हैं फुटवेयर मैंने इनके कभी ट्राई नहीं किए आई थिंक सो इनके थे भी नहीं इन्होंने अभी लॉन्च किए हैं क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे थे तो जाहिर है मैंने कभी लिए नहीं है तो मुझे इनका आइडिया नहीं है कि ये कैसे होंगे तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती फिर ये वाले ड्रेसेस थे कि ये रेड में इस तरह का इनका प्रिंट इस तरह के ये प्रिंट्स इनके बहुत होते हैं इनकी प्राइसेस आप देख लें साथ साथ मैंने ये देखे थर्टी थ्री सेवेंटी इस तरह की ये ही रेंज है ठीक है ये थ्री पीस में अभी आपने देखा है ना थर्टी नाइन सेवेंटी सबकी डिफरेंट प्राइसेस हैं फिर ये वाला है ऑरेंज में है ब्लैक में और ब्लू ग्रीन में देखा है इसका भी दुबट्टा कंट्रास्ट में है तो इनके मोस्टली ऐसे ही आते हैं तो इनके सिंगल पीसेस भी होते हैं शर्ट्स के वो मैंने नहीं देखे क्योंकि वो डिस्प्ले में नहीं थे वो वैसे इनके काउंटर पे थे तो जो सदर स्टोर है ना यहाँ पे जो इनके कपड़े हैं वो डिस्प्ले किए होते हैं बट जो गीगा मॉल में इनका स्टोर है ना वहाँ पे डिस्प्ले में नहीं होते कपड़े तो उसमें ना फिर समझ नहीं आती मुझे तो क्योंकि डिस्प्ले से ना काफ़ी आइडिया हो जाता है ऐसे नहीं आइडिया होता जब डिस्प्ले ना हुए हों तो फिर ये देखें ये ब्राइट फ्रेश कलर्स हैं कलर्स मज़े के होते हैं और बहुत फ्रेश लुक देते हैं ये कलर्स अब ये मरून में फिर आप देख रहे होंगे वाइट में ब्लैक और वाइट इनके काफ़ी उसमें ऑप्शंस हैं ये भी देखें इसका भी दुपट्टा वैसा ही है ये जो ये वाले हैं ना इन पर थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नहीं बहुत कम कम सी इन पर एम्ब्रॉडरी थी और ये मिरर वर्क हुआ हुआ था बिल्कुल लाइट लाइट सा तो इनकी प्राइस आई थिंक सो फाइव थाउज़ेंड ट्वेंटी और इसी रेंज में ये देखें फिफ्टी फोर एटी फाइव थाउज़ेंड ट्वेंटी ये इस तरह की मिक्स रेंज थी उसके बाद मैंने सोचा मैं ऊपर चेक कर लूँ फर इनके फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे एक्चुअली इनके विंटर स्टाफ होता है और प्रेटवेयर होता है तो विंटर स्टफ़ जो मैं आपको सीरियसली एक बात कहूँ इनका विंटर स्टफ़ मुझे नहीं पसंद मोस्टली खदर होता है और वो इतना हार्ड होता है कि वो पहना नहीं जा सकता और जहाँ तक प्रेटवेयर की बात है तो मैंने वहाँ से कभी नहीं लिए क्योंकि मुझे उनके नहीं पसंद प्रेटवेयर जैसे जेनरेशन के होते हैं ना उसी टाइप के होते हैं और फिर यहाँ आने के बाद उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया वीडियो बनाना तो फिर मैंने ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी तो बाकी ये आप देख रहेंगे ये सारे वही खदर स्टाफ में हैं विंटर के स्टाफ में तो होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो हम अपना व्लॉग आज यहाँ पे एंड करते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरे वीडियोस लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करे तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ओके अल्लाह हाफिज़